चार राज्यों के चुनावी रुझान लगभग साफ हो चुके हैं और उन रुझानों के आधार पर यह पता चल रहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों ने कई सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली है। रुझानों के बाद हर राज्य समेत हरियाणा में भी जश्न का माहौल है, यहां पर भी खुशी का दिन है। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के निवास पर जश्न मनाया गया है। धूल के थाप पर थिरकते नजर आए विधायक घनश्याम सर्राफ। मैं नरेंद्र मोदी जी का जादू है, जो लोगों के अंदर उनके काम के प्रति बोलता है। वे काम ऐसा करते हैं कि किसी आदमी को तकलीफ नहीं होने देते और सबके लिए फायदेमंद जो काम करते हैं वे नरेंद्र मोदी हैं। उनके नाम से ये तीनों चुनाव हम जीते हैं। तेलंगाना में भी जहाँ पर एक सीट थी हमारी, वहाँ पे 10 से ऊपर सीटें आ रही हैं। तो ये एक जादू है मोदी जी का, और ये जादू सिर चढ़ के बोल रहा है और लोग उसको परिणाम के स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं हमारे तीन प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये चार चुनाव हुए हैं। मैं इन सभी पार्टी के हमारे जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेतृत्व है, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और इस जीत से एक बात क्लियर हो गई है कि 2024 का केंद्र का चुनाव और उसके बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव, ये दोनों प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है। जी, इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उन्होंने जो जीत, उनकी जीत एक ऐसी जीत है क्योंकि उनने जो ऐसे काम करे, उनके कार्यशैली ऐसी थी और उस कार्यशैली को हर जन ने सराहा, उसी का एक परिणाम है। और जो तीनों प्रदेशों में यह जीत हासिल हुई है और जहां पर हर तरह के निम्न वर्ग से लेकर ऊपर तक के लोग, आज प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चल रहा था पूरे देश में, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, हर आदमी के लिए जो समाज कल्याण की जो नीतियां चल रही है, उसका जो पूरे देश में यह असर आ रहा है। आज तीन प्रदेशों में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से, जबरदस्त बहुमत से बन रही है। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व देश में जो कर रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि हर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।